गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के भूगोल का के अध्याय 6 का भाग 5। इसमें आज हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग, यानी जो ऐसे उद्योग जो कि खनिज पर आधारित हैं। और इसमें आज हम साथ ही जानेंगे लोहा तथा इस्पात उद्योग के बारे में। तो आइए शुरू करें हम आज की अपनी वीडियो लेक्चर। खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रिक्रिएशन जिसमें कि खनिज और धातुएं यानी कि मिनरल्स एंड मेटल्स को एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज़ जिसमें कि मिनरल्स और मेटल्स को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, यानी कि खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। अब इस वर्ग में आने वाले उद्योग के नामों की अगर बात करें तो जैसे कि लोहा तथा इस्पात उद्योग हैं, फिर उसके बाद आपका एल्युमिनियम पर आधारित उद्योग हैं, और साथ ही जैन नमक इत्यादि का उत्पादन जो होता है वो भी खनिज आधारित उद्योग ही कहलाते हैं। तो और भी बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, यानी कि एक बेसिक जैन उद्योग है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ है। क्यों है बेसिक इंडस्ट्रीज़? क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी हुई मशीनरी यानी कि मशीन्स जो बनी है उस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि बहुत तरह के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात यानी कि स्टील की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दी हुई है, इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं, जैसे कि स्टील के की ग्रिल हो सकती है, स्टील के की बाल्टी, स्टील के बर्तन, स्टील के ग्लास, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, यानी कि इस्पात के उत्पादन यानी कितना वहाँ पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, और कितना वहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है यानी खपत कितनी हो रही है, ये जो है ना एक डेवलपमेंट का पैरामीटर माना जा सकता है, यानी कि विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाला जो कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। स्थूल ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिसमें काफ़ी अधिक परिश्रम करनी पड़ती हो, इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है, इसलिए ये स्थूल कहलाता है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात क्या होता है? 4:2:1। अब इसका मतलब क्या है? 4:2:1 का मतलब क्या है? हम लोग इसको पढ़ते तो हैं लेकिन इसको समझते नहीं है। समझना कैसे आते? देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर 4 भाग लौह अयस्क का है तो 2 भाग कोकिंग कोल का होता है और 1 भाग चूना पत्थर इसमें पाए जाते हैं। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? अब देखिए, इस्पात उद्योग के लिए एक आइडियल कंडीशन कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे आसानी से लौह अयस्क उपलब्ध हो, कोकिंग कोल उपलब्ध हो, चूना पत्थर उपलब्ध हो, तो अब ये साथ में वहाँ से परिवहन की वहाँ पे सुविधा हो, तो यह याद रहना चाहिए कि इससे निर्मित माल को बाज़ार और उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में भी
के लिए सक्षम परिवहन की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी सुविधाएं जहाँ पे उपलब्ध होगी तो है वो उसके लिए आदर्श जगह हो सकती है। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पे। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आखिर इस्पात उत्पादन के में पहले नंबर पे कौन सा देश है, या स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी। 70.9 किलोग्राम, यह 2018 का आंकड़ा है, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम है। यानी कि औसत खपत से अभी हम काफ़ी दूर हैं। औसत के अनुसार हमारे पास अभी भी इस्पात की उपलब्धता बहुत कम है। अब आगे जरा ये देख लीजिए उत्पादन में हम पिछले कुछ वर्षों से हमने किस तरीके से वृद्धि की है या कमी हुई है, इसको हम जरा देखते हैं। 2012 में 81.68 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था इस्पात का। 2013 में ये बढ़ा, ये 87.67 हो गया। 2014 में और बढ़ गया, 92.16 हो गया। 2015-16 में थोड़ा सा कम हो गया, 91.1। 2016-17 में 101.3 हो गया। 2017-18 में 86.69 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। जबकि अगर अभी के लेटेस्ट आंकड़े की अगर बात करें तो लेटेस्ट आंकड़े में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, लगभग इतना ही है। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। यानी कि बहुत से छोटे छोटे जो स्टील की इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। अब देखिए इस्पात निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन किया जाता है। फिर उसके बाद झोंकदार भट्टी में लौह अयस्क को गलाया जाता है, और चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है धातु का मैल हटाने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इस भट्टी में। फिर उसके बाद यहाँ से निकालने के बाद क्या होता है कि इसी को ढलवा लोहा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये अगली प्रक्रिया इसकी शुरू होती है कि ढलवे लोहे को फिर से गलाकर ऑक्सीकरण रिएक्शन आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण के द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज निकल क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। यानी कि उसको प्योर किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि धातु को आकार दिया जाता है, रोलिंग प्रेसिंग ढलाई और गढ़ाई इसकी की जाती है। अब देखिए जरा हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा लोहा और इस्पात संयंत्र के मुख्य स्थल देख लेते हैं। अब जरा इसको देखिए मैप के थ्रू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पश्चिम बंगाल में दो मुख्य स्थल हैं, एक है बर्नपुर जो कि झारखंड के बॉर्डर पे है, दूसरा है दुर्गापुर जो कि बिल्कुल कर्क रेखा पर है दुर्गापुर। ध्यान रखिएगा मैप वाले सेक्शन को भी हम साथ ही साथ कंप्लीट करते जाएं। और आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंडिया के मैप में इन सब जगहों को भी लोकेट करते जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद झारखंड में दो मुख्य स्थल हैं इस्पात उद्योग के, यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज़ के, एक है बोकारो और दूसरा है जमशेदपुर। जमशेदपुर बिल्कुल ही पश्चिम बंगाल के दक्षिणी छोर के तरफ ही है झारखंड में।
उसके बाद ओडिशा में एक प्रमुख है राउरकेला, जो कि उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में है, यानी कि झारखंड के क्षेत्र में ही है। छत्तीसगढ़ में एक है भिलाई, और आपका यहाँ आंध्र प्रदेश में समुद्र तटीय क्षेत्र है विशाखापट्टनम, यहाँ पर भी इस्पात उद्योग है। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु में एक है सेलम, और इधर कर्नाटक में दो जगह है, एक विजयनगर और भद्रावती। उसके बाद ये मुख्य स्थल हैं जहाँ पे कि क्या होता है इस्पात उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग होता है। हम और आगे की बात करें तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, इस फैक्ट्स को भी हम लोग ध्यान देते हैं। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र होते हैं जिसमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात यानी कि बेकार, स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इसमें रोलर्स होते हैं, इसमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु यानी कि सॉफ्ट और मिक्सचर स्टील का उत्पादन करते हैं। एक संकलित संकलित मतलब इकट्ठा किया हुआ, जिसका को इकट्ठा करते हैं यानी कि कलेक्ट करना। इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है, इसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रक्रिया प्रत्येक क्रिया की जाती है। अब यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। यानी कि एक तरीके से ये उनका जाना एक माध्यम है, मीडियम है। 1950 के दशक में यानी कि 1950 के आसपास भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत इसका दूसरा उत्पादक देश है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि चीन ही सबसे अधिक इस्पात का खपत करने वाला देश भी है। भारत में छोटा नागपुर कहाँ है, ध्यान रखिएगा कि ये है छोटा नागपुर आपका झारखंड में। तो भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है यानी कि सेंट्रलाइज्ड है, वहीं पे ज़्यादातर आपको ये उद्योग मिलेंगे। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक यानी कि एज कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत है, उच्च कोटि के कच्चे माल के निकटता है, सस्ते श्रमिक है, यहाँ पे मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं कम कीमत पे। स्थानीय बाजार में इनकी मांग की बहुत बड़ी संभावना है। हालांकि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी हम इनके पूर्ण संभावी का विकास नहीं कर पाए, यानी कि जो इसकी कुल मतलब पूरी तरीके से होल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसके कारण क्या है? इसके कारण है कि हाई जो है ना इसकी वो लागत है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है इसमें चाहिए, तथा कोकिंग कोयले की उपलब्धता जो है ना बहुत कम है। इसमें श्रमिक जो है हमारे यहाँ जो लेबर है वो कम, उसकी उत्पादन क्षमता है यानी कि स्किल की कमी है, स्किलफुल हमारे यहाँ जो है ना श्रमिक नहीं है, कर्मचारी नहीं है। ऊर्जा की अनियमित पूर्ति है यानी पूर्ति ही नहीं है, अविकसित अवसंरचना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके कारण है कि हम जो है ना इसका अधिकतम उपयोग नहीं कर पाए। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देश से मंगाते हैं यानी कि अच्छी क्वालिटी की स्टील जो है ना हम दूसरे के यहाँ से मंगाते हैं, हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग हेतु पर्याप्त है। यानी कि हमारा जितना भी इस्पात का उत्पादन होता है वो घरेलू यानी कि हमारे देश के लिए पर्याप्त है, लेकिन
अगर अच्छी क्वालिटी की स्टील की बात हो तो उसे हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के कोशिश से, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि जिसको FDI हम लोग कहते हैं, ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है और इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान यानी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। अब जरा यहाँ देखिए, अगर भारत से हम लोग भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन के की तुलना करें, जो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की वेबसाइट से लिया गया है, यानी कि worldsteel.org, तो अगर हम यहाँ से इसका कंपैरिजन करें तो अब देखिए, यहाँ 2014 में जहाँ भारत का उत्पादन था मात्र 86.5 यानी कि 86.5 मीट्रिक टन, वही 2014 में ही चीन का जो प्रोडक्शन था वो 822.7 मीट्रिक टन था, यानी कि भारत से लगभग 9 से 10 गुना। 2015 में 89 मीट्रिक टन और चाइना का 803.8 मीट्रिक टन, और इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि जब 2018 में 106.5 मीट्रिक टन भारत के कच्चा इस्पात का उत्पादन है, तो वहाँ पे चीन अब पहुँच चुका है 928.3 मीट्रिक टन। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एल्युमिनियम प्रगलन क्या होता है, ये इनके स्मेल्टिंग के बारे में। अभी के लिए फ़िलहाल हैव अ नाइस डे।